नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है इंटरव्यू के ऊपर, जो यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं या एम्बेसीज इंटरव्यू लेती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उसके ऊपर ये हमारी वीडियो रहेगी। तो ऐसा है कि क्राउन इमिग्रेशन को 100 कंट्रीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और हर एक कंट्री का अपना वे है इंटरव्यू का। बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरव्यू लेती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ आपका वीज़ा या आपका एडमिशन्स ऑन द बेसिस ऑफ आपके डॉक्यूमेंटेशन जो प्रेजेंटेशन हैं उसके ऊपर आपको एडमिशन और वीज़ा ग्रांट कर देती हैं। तो इंटरव्यू लेने के वे क्या हैं? कुछ कंट्रीज़ आपकी इंटरव्यू थ्रू क्वेश्चनेरिया लेती है कि वो आपको क्वेश्चन दे देती हैं, तो आपने उनके जो आंसर है इन रिटर्न लिखने होते हैं। जब भी आप किसी एम्बेसी में जाते हैं, जब वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, जब आप फिज़िकली किसी एम्बेसी में जाते हैं तो आपको वहाँ क्वेश्चनेरिया मिल जाता है। कुछ एम्बेसीज में आपकी जो इंटरव्यू है वो टेलीफोनिकली होती है, रैंडमली दे विल कॉल टू एनी ऑफ द स्टूडेंट। रैंडमली जब कॉल करते हैं क्या पूछ सकते हैं, वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको यहाँ पर बताएगी। इवन कुछ एम्बेसीज की जो इंटरव्यू है वो फिज़िकल है, आपको फिज़िकल एम्बेसी में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी इंटरव्यू होती है। और कुछ एम्बेसीज आपके इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स बनाती हैं, आपकी जो इंटरव्यू रहती है दैट इज़ रिकॉर्डेड इंटरव्यू रहती हैं। तो हर एक सिस्टम के बारे में मालूम है, कौन सी एम्बेसीज में और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में और कौन सी कंट्री में आप अपना एडमिशन या वीज़ा डालने के लिए जा रहे हैं, कहाँ पर इस टाइप की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने फिर बताया कि वी आर वेरी टेक्निकल बिफोर टेकिंग द केस ऑफ एनी स्टूडेंट। सबसे पहले हम बच्चे की प्रोफाइल चेक करते हैं, असेसमेंट लेते हैं बच्चे की प्रोफाइल, उसके परसेंटेज चेक करते हैं, यूरो पासिंग देखते हैं, उसका गैप देखते हैं, उसका इंग्लिश प्रोफिशेंसी देखते हैं, प्रीवियसली रिफ्यूज़ल्स कौन सी कंट्रीज से है, कौन सी कंट्री से वो डिपोर्टेड है, उसके पास फंड्स कितने हैं। इन सब को एनालाइज करने के बाद वी आर सजेस्टिंग कि आपका केस कौन सी कंट्री में हो सकता है। अगर आप फ्री में असेसमेंट चाहते हैं कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। आप इस फॉर्म को अगर फिलअप करके भेजेंगे, उसको रिव्यू करने के बाद जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आपको इमीडिएटली बताएगी कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन कौन सी कंट्री में बनती है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, अभी इनके आंसर्स आपने कैसे देने हैं इसकी हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो बच्चों को इसके ऊपर प्रिपेयर करवाती हैं। अगर आपने हमारी पार्ट में सर्विस लेनी है ऑन फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, आइदर वो यूनिवर्सिटीज़ की हैं या एम्बेसीज की हैं, उस पार्ट में भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं कि आपने अपना एडमिशन अपने लेवल पर अप्लाई किया हुआ है या किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, अभी आपकी इंटरव्यू आ चुकी हैं, आपका कंसल्टेंट आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो आप पार्ट में हमारी सर्विस चाहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की, वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन और फिजिकली भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जनरल क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले एम्बेसीज स्टूडेंट की इंट्रोडक्शंस के बारे में पूछती हैं, इंट्रोडक्शंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, आपकी एजुकेशंस, आपकी हॉबीज, आपकी फैमिली बैकग्राउंड्स, ये चीज़ें आपने इंट्रोडक्शंस में बतानी है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एम्बेसीज हैं, दे विल आस्क वाई यू आर कमिंग इन दैट स्पेसिफिक कंट्री। तो अभी उसका आंसर कैसे आपने देना है, आपकी क्या रिसर्च है, वो उसके टिप्स हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप भी गूगल पर ये देखिए कि आप उस स्पेसिफिक कंट्री में क्यों जा रहे हैं। बट विल बी द बेनिफिट टू डू दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम इन दैट स्पेसिफिक कंट्री, इसके बारे में भी आपसे जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्बेसीज आपको पूछ सकती हैं। इसके अलावा दे विल आस्क कि हाउ मेनी यूनिवर्सिटी यू अप्लाइड फॉर योर एडमिशंस, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ का ज़रूर ज्ञान हो कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज यू गॉट द एडमिशंस, इनके बारे में भी मालूम हो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशंस लिया है, इन विच प्रोग्राम यू गॉट द एडमिशंस, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम्स, ट्यूशन फीस ऑफ द प्रोग्राम और सिलेबस ऑफ द प्रोग्राम, इनके बारे में भी आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए जब भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है या किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी विल आस्क और एम्बेसी विल आस्क कि वेयर यू विल सी आफ्टर 3 ईयर्स, उसका भी आपको स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ पर देखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। इवन एम्बेसीज विल आस्क कि दिस प्रोग्राम इज इजीली अवेलेबल और वेरी इकोनॉमिकल इन इंडिया, व्हाई यू आर डूइंग दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम इन अब्रॉड कंट्री।
तो इसका भी आपके पास अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए. इवन दे विल आस्क अबाउट द यूनिवर्सिटी, वेयर द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड, टेल मी समथिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी, हाउ मेनी डिपार्टमेंट इज देयर, हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, वेयर दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड, इनके बारे में भी आपको मालूम हो कि व्हेन द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड, ऐसी चीजों के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए. क्योंकि एम्बेसीज या यूनिवर्सिटीज इस स्पेसिफिक प्रोग्राम चीज के बारे में भी पूछ सकती हैं. तो दे विल ऑल्सो आस्क हाउ यू विल मैनेज योर ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसिस फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम. फंड्स के बारे में आपको ज्ञान हो, आप अपनी ट्यूशन फीस कैसे मैनेज करेंगे, आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए भी आपके पास स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए. दे विल इवन आस्क वेदर यू हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव इन दैट स्पेसिफिक कंट्री, तो उसका आपने स्पेसिफिक क्या आंसर देना है. दे इवन दे विल आस्क वेदर यू प्रीवियसली रिफ्यूज फॉर एनी कंट्री, तो इसका आंसर भी अप्रोप्रिएट देना है कि रिफ्यूजल का हम इस कंट्री के अंदर डिस्क्लोज करें या ना करें, कौन सी कंट्रीज में अपनी रिफ्यूजल जो प्रीवियस है डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है. ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिसको नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है. तो ऐसे जो जनरल क्वेश्चंस हैं हर एक स्टूडेंट से एम्बेसीज पूछ सकती हैं. ऐसे जो क्वेश्चन एरिया है हमारे पास अप्रोक्स 70 से 80 क्वेश्चंस का है जो ऑलवेज हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं. अगर वो 70 से 80 क्वेश्चंस मैं बताने जाऊं तो ये वीडियो हमारी अप्रोक्स 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी. तो अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंटरव्यू तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें. और आपके किसी भी फ्रेंड की किसी भी यूनिवर्सिटी या एम्बेसी से कोई इंटरव्यू आई है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें. अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.